क्लासेज मैं हूं रेजा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूं, जिसमें मैंने आपको अभी सिर्फ एक वीडियो पे मैंने बनाया है क्लास 10th के लिए, और मैंने सिर्फ अभी ओवरव्यू दिया था कि आपका जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन दिया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, किस लिए पढ़ना है, आगे इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर आपके लिए, तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत सारा ओवरव्यू दे दिया था कि ये चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है आपको ये चैप्टर, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। पहला तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानना है, दूसरा मैंने बताया था कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है, रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में जानना है, एक्सक्रीशन क्यों होता है, एक्सक्रीशन होता क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया था। अब आपका ये चैप्टर आज से मेरे लिए स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मैं आज आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी कि न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, और न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों इसे न्यूट्रिशन बोला गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर बताता क्या है हमें। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो भी फूड जा रहा है वो सिंपल फूड कहलाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, या उसे सिंपल अगर फॉर्म में है वो तो उसे कार्बोहाइड्रेट या उसे ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, अगर वो सिंपल शुगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ये चीज। फिर अगर यही ग्लूकोज आपस में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज कहलाएगा। मतलब कोई भी फूड अगर स्टार्च के फॉर्म में है हमारी बॉडी में, तो वो स्टार्च धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, कहने का सेंस यही था। जैसे अगर मान लो स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स फूड एंट्री कर रहा है, जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज डाइजेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही हमारी बॉडी में उसके थ्रू एनर्जी आएगी। ठीक है, अगर ये एज इट इज पड़ा रहा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहेगा, तो मतलब हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यही स्टार्च सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये किस चीज का फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ग्लूकोज कौन सा शुगर है, सिंपल शुगर या सिंपल फूड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो और इसका डाइजेशन होने के बाद ही हमारी बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मतलब सीधा सीधा सेंस ये है कि हम किसी भी फॉर्म में फूड को ले रहे हैं, चाहे वो स्टार्च के फॉर्म में ले रहे हैं, या प्रोटीन के फॉर्म में ले रहे हैं, या फैट के फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हम फूड को ले रहे हैं, तो उस फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आना जरूरी है। ठीक है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर वो सिंपल फूड के फॉर्म में नहीं आया, वो कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में ही रह गया, तो मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत है, वो चीजें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, अब होता है फूड, सिंपल फूड और कॉम्प्लेक्स फूड, ये फूड क्या होता है, तो फूड, फूड का मतलब हुआ कि जो भी विटामिन, मिनरल, वाटर, एवरीथिंग, जो भी चीज हम अपने फूड, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, वही क्या कहलाया, फूड कहलाया, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वाटर नहीं है तो फूड का डाइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि फूड के डाइजेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है हमें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पियेंगे तो उतनी तेजी से डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है फूड। फूड की डेफिनेशन क्या हुई कि विटामिन, मिनरल्स और साल्ट, वाटर, एवरीथिंग, जो भी हम अपने फूड, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए इनटेक कर रहे हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, फूड कहलाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से समझ लो, हमारी बॉडी में हम जो भी चीजें इनटेक कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, वो हम किस फॉर्म में कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब हमारी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होता है, तो मतलब उसका क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यही आगे आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो अब जब उसका डाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स फूड किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ? सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड का फॉर्मेशन होना ही एक तरीके से क्या है? न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले फूड की डिफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। जो भी विटामिन, मिनरल, साल्ट या वाटर, जो भी चीजें हम अपटेक कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, वही सब्सटेंस क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, ठीक है। ये हो गई फूड की डिफिनेशन। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वर्ड किस चीज से बना है? न्यूट्रिएंट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट को अपटेक करना या इनटेक करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में या इनटेक करना या अपटेक करना, वही प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? ए न्यूट्रिएंट एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है, ठीक है। तो अब हम चाहे फूड मटेरियल के फॉर्म में, उसको किसी भी फूड मटेरियल के फॉर्म में ले लें। जैसे अगर मान लो हम वेजिटेबल खा रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का न्यूट्रिएंट ही है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी को मिनरल, साल्ट, ये सारी चीजें उन सारी चीजों से मिल रही हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से हमने लिया? अपने सराउंडिंग से लिया, मतलब हम अपने चारों तरफ से जो भी चीजें अपटेक कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट कहलाएगा। फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज, और हम इसको किस फॉर्म में लेकर, किस यूज में ला रहे हैं? यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? न्यूट्रिशन कहलाएगा या न्यूट्रिएंट कहलाएगा। जो सब्सटेंस, न्यूट्रिशन तो मतलब हुआ कि इनटेक कर लेना न्यूट्रिएंट को, लेकिन किसी भी सब्सटेंस को हम अगर अपने सराउंडिंग से ले रहे हैं और वो हम अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए यूज में ला रहे हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए भी इस न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बॉडी के टिश्यू, ऑर्गन, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट या उनके फॉर्मेशन में भी अगर इनका हम यूज कर रहे हैं, तो क्या है? ये भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर को ज्यादातर न्यूट्रिएंट लेने के लिए बोला जाता है, ज्यादातर वेजिटेबल्स खाइए, आप मिल्क लीजिए, आप एग लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों बोली जाती है? क्योंकि अंदर जो बेबी पल रहा है या जो ग्रो कर रहा है बेबी, उसकी ग्रोथ में ये न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर यही न्यूट्रिएंट कोई भी लेडी नहीं लेगी, तो ज्यादातर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बच्चे में, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर का रिकमेंडेशन यही होता है कि बच्चा ज्यादा से कि मदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट अपटेक करें, ठीक है, अपने फूड में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को ले। तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है हमें? कहाँ से मिल रहा है? अपने सराउंडिंग से, ठीक है। और उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना ही क्या प्रोसेस है? न्यूट्रिशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, वो दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? मोड मतलब कितने तरीके से हम न्यूट्रिशन को इनटेक कर सकते हैं। तो पहला क्या है मोड? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा मोड क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक, पहला ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा? ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेम, खुद से, ठीक है। तो हम जब कोई भी फूड मटेरियल खुद से ले रहे हैं या खुद बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटो मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं करना, कोई भी काम अगर हम खुद कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ऑटो का मतलब होता है स्वयं
या खुद करना, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड मटेरियल का सिंथेसिस। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद अपने से ही फूड मटेरियल को सिंथेसाइज कर ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है, ज्यादातर प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, यही ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। हम क्या हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्यों, क्योंकि हम जो प्लांट्स मिल रहे हैं हमें, जो हमारे लिए अर्थ पर अवेलेबल हैं, हम उन्हीं से तो फूड ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो खाना हमें प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल जो मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। जब वो प्लांट्स हमें रॉ मटेरियल देते हैं, तब हम उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कुक करते हैं, और कुक करने के बाद वो फूड जो बनता है उसे हम इंटेक करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी रॉ मटेरियल के थ्रू ही बनाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स खाना बना रहे हैं वो खाने को हम नहीं खा सकते। उनसे जो प्लांट्स जब उस खाने से उनके में जो ग्रोथ होती है, लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, तो वही लीफ और फ्रूट को हम अपने फूड में लेते हैं। ठीक है, तो हम किस पे डिपेंडेंट हुए, प्लांट्स पर। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, तो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो किस किस मटेरियल से, सबसे पहले उन्हें जरूरत किस चीज की होती है, सनलाइट की। ठीक है, दूसरी जरूरत उन्हें किस चीज की होती है, क्लोरोफिल की। और तीसरी जरूरत उन्हें किस चीज की होती है, वाटर की। और चौथी जरूरत जो है उनकी, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो इतनी चीजों को यूज करके प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले इनको क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब यहां पर जो ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज बनने के बाद यहां रिलीज क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस जो होती है उसमें ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और कुछ गैसेस फॉर्म में जो गैस होता है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूला हुआ उसमें किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर के फॉर्म में हम बोलते हैं इसे, इस ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब यही जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज को हम इनटेक करेंगे। ठीक है, क्यों, और वो ग्लूकोज हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा, पहला है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, दूसरा क्या है पैरासिटिक, और तीसरा क्या है होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी फूड, एक मिनट, सैप्रोफिटिक तो ऑर्गेनिज्म हो गया, सैप्रोट्रॉपिक होगा, सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड मटेरियल अपटेक किया जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। अभी जो मैंने पहले लिखा था वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक कहलाते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे काउ डंग से,
फूड मटेरियल जो भी फंगस ले रहे हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि काउ डंग जो है, जो गाय का गोबर होता है वो जब सड़ता है तो वहां से कुछ फंगस उस पर ग्रो करते हैं और वहां से फूड मटेरियल को लेते हैं, या ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पर जो फंगस ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि वो ब्रेड से जो सड़ी हुई चीजें हैं उन सड़ी हुई चीजों से ब्रेड जो से फूड मटेरियल वो अपटेक करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो ब्रेड होता है काफी टाइम तक रखने के बाद क्या होता है, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के फंगस लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रीन कलर के या ब्लैक कलर के जो फंगस होते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक फंगस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड मटेरियल ले रहे हैं। ब्रेड क्या है, ब्रेड एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल है और वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ईस्ट के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो वो जो सड़ा करके उसको ऑलरेडी बनाया जाता है ब्रेड को, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया और उसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से जब फूड मटेरियल को सिंथेसाइज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और वो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, पैरासिटिक, पैरासाइट आपको पता ही है, जो लिविंग पर रह करके उनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। जैसे कुछ लोग दिन रात बाल में खुजली करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो काफी टाइम से, जैसे जिनकी बॉडी, जिनका जो हेयर है वो क्लीन नहीं किया जाता है तो उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, उनके हेयर में जू पड़ जाते हैं, ठीक है। वो जू जो होता है वो क्या होता है, वो पैरासाइट होता है, क्योंकि वो हमारे सर में रह करके हमारे ब्लड को सक करता है, मतलब वो हमसे फूड मटेरियल ले रहा है। इसका मतलब हम क्या है, मरे तो है नहीं, हम तो जिंदा है, तो हमसे जो फूड मटेरियल लिया जा रहा है, मतलब लिविंग से जो फूड मटेरियल लिया जा रहा है उन्हें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे, और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, होलोजोइक, जो सॉलिड फूड मटेरियल को अपटेक करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। और जैसे हम सॉलिड फूड मटेरियल को ले रहे हैं तो हमें क्या बोलेंगे, होलोजोइक, ठीक है। और इसके अलावा अमीबा है, अमीबा क्या करता है, जो उसके आसपास जो भी इंसेक्ट या जो भी चीजें फ्लोट करती हैं वाटर बॉडी में, वो क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में इंटेक कर लेते हैं, तो वो क्या हुए, होलोजोइक हुए, ठीक है, अमीबा। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो तीन तरीके के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला क्या है, सेप्रोट्रॉपिक, मतलब जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड मटेरियल ले रहे हैं, जैसे काउडंग पे जो फंगस ग्रो करते हैं उनको सेप्रोफिटिक बोलते हैं, जो ब्रेड मोल्ड होता है उसको भी सेप्रोफिटिक बोलते हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड मटेरियल ले रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक बोलेंगे। पैरासिटिक, जो लिविंग से अपना फूड मटेरियल ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक, जैसे जू पड़ जाती है, ठीक है, दीमक हो गया, वो क्या कहते हैं, टर्माइट ही है एक तरीके का, तो वो क्या बोलते हैं, वो भी क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ये जो सॉलिड फूड मटेरियल को अपटेक कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सबसे पहला क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अभी बताया मैंने, इसके पहले का जो बताया था, सबसे पहले न्यूट्रिशन बताया था, न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले फूड क्या होता है, फूड की डिफिनेशन क्या है, हम अपने चारों तरफ जैसे विटामिन, वाटर, जो भी चीजें इंटेक कर रहे हैं वो सब किस में आएगा, फूड में आएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस चीज से बना है, न्यूट्रिएंट से, जो भी हम अपने सराउंडिंग से फूड ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ में भी काम आ रहा है, साथ में हमारे बॉडी के बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट कहलाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट से ही क्या बना हुआ है, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट को इनटेक करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, तो दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरों पर यानी कि प्लांट्स पर जो डिपेंडेंट हैं, या ये कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है।
ऑटो पर जो डिपेंडेंट हो वो हिटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद बनाए, और हेट्रो मतलब जो ऑटो पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो दो तीन तरीके का होता है। पहला है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड मटेरियल लेते हैं उस तरह का न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक सैप्रोट्रॉपिक कहलाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक बोलते हैं। दूसरा क्या है, पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ना खाना लेकर के वो लिविंग से पर डिपेंडेंट हो या लिविंग से अपना फूड मटेरियल ले उन्हें क्या बोलेंगे, पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, होलोजोइक, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड को इनटेक किया जाता है उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब आगे जो भी स्टार्ट होगा आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब आपको पढ़ाना है, तो आगे का जो लेक्चर होगा मेरा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, और हिट्रो साथ में हिट्रो भी मैं उसी समय बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक को आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू।